Hello, Assalamu alaikum, my dear students. Uh, I hope you will be fine and doing great in your life. So, actually, I have been JK the last सचिन बचा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए दैट इज कैपेसिटर्स एक तो हम पहले करेंगे वट इज अ कैपेस्टर उसकी क्या होती है एंड डेयर एक्सप्रेशन फॉर कैपासटंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट फिर ड्यू टू द पैरेलल प्लेट जब उनमें कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे एंड कैपेसिटन्स ड्यू टू द पैरेलल प्लेट जब उसमें डायरेक्टर स्लैब डालेंगे दोनों के दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर देन उसके बाद डायरेक्ट पोलराइजेशन क्या है पोलर एंड नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स क्या और कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल है ठीक है चलो पहले और क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चलो आ जाए दैट इज कैपेस्टन ड्यू टू पार्लल प्लेट पहला क्वेश्चन कैपेस्टनस कैपेस्टन ड्यू टू पहले कैपेस्टनस क्या है कैपेसिटर क्या है पहले वही क्वेश्चन हमारे पास कैपेसिटर कैपेस्टनस एंड डिराइव कैपेस्टनस ऑफ पर्ल पलेट कैपेस्टर डिराइव कैपेस्टनस ऑफ पर्ल पलेट कैपेसिटर्स चलो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है चलो इसका आंसर लिखते मेरा आ जाए ग्रेट सी नाउ एवरी हियर चलो ओके आ चलो सर जहाँ तक कैपेसिटर्स की बात करते हैं पहला पॉइंट ध्यान रखेगा सर व्हाट इज़ एक्चुअली कैपेसिटर माई डियर बी वेरी क्लियर अबाउट दैट सर व्हाट इज़ अ कैपेसिटर कैपेसिटर सर एक डिवाइस है जिससे आप क्या कर सकते हो सर डिवाइस बाय विच माय डियर यू कैन स्टोर ध्यान रखेगा जिससे आप सर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं ठीक है क्लियर आई द वी कैन से बाय विच वी कैन स्टोर द एनर्जी क्लियर डियर मेरा सो व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर द चार्ज ओ आर ओ आर आर एनर्जी और एक बात और ये भी बता सकते हैं ये कैपेसिटर जो है अरेंजमेंट ऑफ दो कंडक्टर्स है जिनको आप सेपरेट करते हैं बाय इंसुलेटिंग मीडियम

चार्ज ओ और एनर्जी इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज ओवर और एनर्जी या हम ये भी बता सकते हैं ये अरेंजमेंट होता है किसका याद रखेगा इज द अरेंजमेंट दैट इज वन मोर थिंग माई डे यू कैन से सेपैसिटर इज द अरेजमेंट ओ आर ऑर यू कैन से इट इज अरेंजमेंट ऑफ इट इज अरेजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स two conductors separated by separated by an insulating medium jinke beech me insulating medium which is used to which is used to store charge or, or energy याद रखिएगा सर जहाँ तक बात होती है सर कैपेसिटर की सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस माय डियर बी वेरी क्लियर अबाउट दैट सर जो कैपेसिटर है इसका काम ही होता है क्या काम होता है आइदर टू स्टोर द चार्ज ओवर और एनर्जी सो बिल्कुल आसान वाली बात है ये तो बिल्कुल क्लियर है अब ध्यान मीडियो मेरा डियर अब सर कितना चार्ज स्टोर करेगा दैट इज अ बिग क्वेश्चन माय डियर यू कैन आस्क सर कितना चार्ज स्टोर करेगा यस yes, कैपेसिटर का काम है टू स्टोर द चार्ज ओवर और एनर्जी अब आप बोलोगे कि कितना चार्ज स्टोर कर रहा करेगा सी माय डियर हमें पता है ध्यान मेरी ओर एज इस चीज को आप ध्यान रखिएगा डियर मेरा एज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल कहिए मेरा डियर अब रिमूव जितना आपके पास इधर पोटेंशियल होगा उतना आपके पास चार्ज मिलेगा सर मोर द चार्ज मोर इज द पोटेंशियल ठीक है डियर मेरा सो so रिमूव प्रोपोर्शनिटी And use constant. So we are going to have Q is equal to C times of e, where C is electrical capacitance. Where where C is your capacitance, electrical capacitance. सो so, हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू दैट इज गोइंग टू बी मारियर C इज इक्वल टू Q बाई वी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी शाबाश सर ये क्या है C इज ईक्वल टू क्यू बाई वी सो कैपेस्टन जो है दैट इज क्यू बाई वी सो कैपेस्टन्स क्या है बात सुन लेना अच्छे से सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर दैट इज ऑल्सो वी कैन डिफाइन इट बट एक्चुअली क्या है कैपेस्टन्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर बाई कैपेस्ट टू इट इज पोटेंशियल सो मीनस इट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटनस इज रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर टू इट्स पोटेंशियल अब बात यहां पर उठती है सर आप सी कॉल्ड क्यू बाई वी वी क्लियर मारिया अब क्या ये कैपेसिटर कैपेसिटर का क्यू चार्ज पे डिपेंड कर रहा है या वी पे डिपेंड कर रहा है नहीं 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 मेरा डिया सर ये जो Q बाई वी है इट इज जस्ट डियर टू फाइंड द वर्किंग रूल इट इज अ वर्किंग रूल टू फाइंड द कैपेसिटन कैपेसिटन Q और V पे डिपेंड नहीं करता इट इज जस्ट टू फाइंड द वर्किंग रूल यू गेट द Q, यू गेट द V, यू विल गेट द C. ठीक है डियर सो फिर कैपेस्टनस किस पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटनस डिपेंड्स याद रखिएगा दो चीजों पे. एक तो नेचर ऑफ मीडियम नेचर ऑफ मीडियम क्या है मीडियम कौन सा है एंड दूसरा आपके पास जियोमैट्रिक इधर जियोमैट्रिक कंफ्रिगेशन ऑफ इधर इधर मेरा डियर यो है जियोमेट्रिक जो आपके पास ध्यान रखेगा जो बॉडी है उसका शेप कैसा है उसका साइज क्या है एरिया क्या है दैट इज जियोमेट्री ऑफ द बॉडी याद रखिएगा जियोमेट्रिकल कंफ्रिगेशन क्या है उस बॉडी के सो so उस पर डिपेंड करेगा याद रखिएगा ये कभी भी जस्ट लाइक माय डियर फॉर अ आइसोलेटेड सुफेरिकल शल इट इज़ सी इज इक्वल टू फोर पाई एप्सलॉन आर फोर कॉन्स्टेंट पाई एप्सलॉन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम उस पर डिपेंड करेगा एंड आर इज़ द डायमेंशन आर इज द रेड इज दैट इज द जियोमेट्री ऑफ दैट वेरी मच शेप दैट वेरी मच बॉडी uh, जिसका आप निकालना चाहते हो और सबसे बड़ी बात दूसरी बात और एक बात मैं बता दूंगा सर जब आप पारल पलेट का निकालते हैं कैपेस्टनस दैट इज एब्सोलॉन ए बाई डी ए एरिया दैट इज अगेन द जियोमेट्रिक कन्फ्रिगेशन ऑफ द बॉडी डी डिस्टेंस अगेन द जियोमेट्रिक कन्फ्रिगेशन एंड एबसलॉन इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम सो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है इट डिपेंड्स नॉट ऑन द क्यू एंड वी इट इज जस्ट वर्किंग रूल याद रखेगा जस्ट वर्किंग रूल इट इज जस्ट वर्किंग रूल इट इज जस्ट वर्किंग रूल वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग कैपेसिटन्स हम ये भी लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइनड एज इज ऑल्सो डिफाइनड एज It's also defined as ability of a capacitor. It's also defined as ability, ability of capacitor, ability of capacitor, ability of capacitor, how much charge it can. स्टोर कले मेरा शब बश हम ए चार्ज इट कैन स्टोर अब इट डिपेंड्स ऑप ऑन कैपेस्टन डिपेंड्स ऑप ऑन कैपेस्टन्स ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑप ऑन एक तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट इज द नेचर ऑफ मीडियम प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम सेकेंड जियोमैट्री जियोमैट्रिकल डायमेंशन ऑफ द बॉडी याद रखेगा जियोमैट्री इस पे डिपेंड कर रहा है इन दो पैरामीटर में ये मत बोलना सर C इज इक्वल टू Q बाई वी सर Q और V पे डिपेंड कर रहा है नहीं नहीं मेरा डी दिस इज जस्ट अ वर्किंग रूल सो ये कैपेस्टन्स हो गया एंड ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है और इसके पास आपका जो यूनिट होता है द यूनिट ऑफ कैपेस्टन्स इज फैरड द यूनिट ऑफ कैपेस्टनस इज फैरड इज फैरड याद रखेगा एंड वट इज माई डियर वन फेरड वन फेरड क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाएगा वट इज वन फैरड वट इज वन फैरड याद रखेगा वन फेरड क्या है एज़ आपके पास अभी लिखा आपने कैपेस्टनस इज इक्वल टू तो क्यू बाई वी बी वेरी क्लियर माइडिया कैपेस्टोनस इज क्यू बाई वी अगर चार्ज वन कूलम ले लेंगे बात क्लियर करना एंड वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल आप ले लेंगे वन वोल्ट का याद रखें इसको हम बोलते हैं वन फे वन फे याद रखिएगा सर वन फेरेड सो मीनस वेन वन चार्ज ऑफ वन कोलम इज यूज टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट बी वेरी क्लियर जब आपको एक चार्ज एक कोलम का चार्ज लगेगा टू क्रिएट क्योंकि कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी याद रखेगा जब हमें कितना चार्ज लगेगा सर वेन वी टेक द वन कूलम ऑफ चार्ज टू रेज द पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट दैट इज गोइंग टू बी वन फेरड इट इज डिफाइंड एज it is defined as when the charge of one coulomb charge of one coulomb is used to raise the potential of to raise the शियल ऑफ वन वोट शब ये क्लियर कर लेना हमारे पास अब पार्लल पलेट किस तरह कैपेस्टनस हम निकालेंगे पार्लल पलेट का ठीक है मेरा डियर यह आपके पास क्वेश्चन नंबर वन था दिस वॉज यूर क्वेश्चन नंबर वन ओके अब इसी में निकालना है हमें कैपेस्टन ऑफ पार्लल पलेट चलो ओके डियर मेरा चलो आ जाए कैपेस्टन ड्यू टू पैरेलल प्लेट चलो आ जाए मैं यहां पर एक इधर ध्यान रखिएगा। दो पैरेलल प्लेट्स लेता हूं, एक के ध्यान रखिएगा मेरा ये आपके पास एक, एक प्लेट है या आपके पास दूसरा प्लेट है ठीक है मेरा? And इस का चार्ज देते हैं ध्यान रखिएगा प्लस क्यू एंड इसका चार्ज है माइनस क्यू क्लियर डियर मेरा एंड इसका एरिया आपके पास ए है एंड इसके पास भी एरिया ए है ये ए कैपेसिटर है ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर है दूसरा कैपेसिटर का प्लेट है ठीक है इस प्लेट को आप नाम भी देंगे इस पलेट को आप नाम भी देना चाहते हैं बात सुन लेना इस प्लेट को मैं नाम एक्स भी नाम रहूँगा एक्स प्लेट एंड दैट इज गोइंग टू बी योर वाई प्लेट बी वेरी क्लियर माई शाबाश एंड इसका चार्ज प्लस क्यों है तो हम लिखेंगे प्लस 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 एवरी वाई आ रियम बिल्कुल आसान इसका चार्ज माइनस क्यू शाबाश एंड इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लेंगे प्लस सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। शबाब बिल्कुल आसान ये हमने दो पर और इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सपरेशन ले रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी यू डी दैट इज गोइंग टू बी यू डी बी वेरी क्लियर माई डियर। दैट इज गोइंग टू बी यू डी इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी डी इज इट क्लियर चलो कि शबाज ग्रेड मेरा है बिल्कुल आसान शबाज 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 ग्रेट 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 ग्रेड बिल्कुल आसान चलो आ जाए ओके 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 चलो कलिया और इनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे दैट इज वैक्यूम अब देखे लिया मेरा सो हमने क्या लिया शबाज पहले बात सुन लेना आशय से हमने लिया कंसिडर ऐसे आप एग्जाम्पल लिखेंगे कंसिडर टू पारल पलेट्स हमने दो पारल पलेट्स लिए सर टू पारल पलेट्स नाम रखा एक्स एंड वाई ठीक हैविंग बोथ एरिया हैविंग बोथ एरिया ऑफ ए दोनों का एरिया ए लिया ग्रेट शबाश एंड लेट Plus q b charge, plus q b charge on x and minus q b charge on y plate, and let d be the डिस्टेंस ऑफ सपरेशन बिटवीन देम जो इनको सपरेट कर रहा है डी बी द डिस्टेंस ऑफ सपरेशन बिटवीन दम डी बी द सपरेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सपरेशन बिट्वीन द्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा बी दरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया शाबाश मेरा डियर बिल्कुल आसान याद रखेगा सो एंड वैक्यूम बी द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम ठीक है

by epsilon sigma by epsilon melikunga as as electric field as electric field between two parallel pallets two parallel pallets is given by इज़ गिवन बाय किसके बराबर होता है वी नो दैट एलेक्ट्रिक फील बिटवीन टू पर्ल पलेट्स इज इक्वल्ट सिग्मा बाय एब्सुलॉन् बी वेरी क्लियर माय डियर स्टूडेंट Sir, दो पारल प्लेट के बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय एब्सुल बट सिग्मा कौन है सिग्मा कौन है शबाज बट सिग्मा कौन है मैंने उनका मैग्नीट्यूड लिया बट सिग्मा कौन है सिग्मा इज गोइंग टू बी योर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वी नो दैट बट सिग्मा इज इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज दैट इज चार्ज दैट इज चार्ज अगेन दैट इज चार्ज क्या शबाज वेट इज

सर्फे चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है दैट इज गोइंग टू बी माय डियर सिग्मा वी आर गोइंग टू हैव द सिग्मा एंड सिग्मा इज गोइंग टू बी चार्ज पर यूनिट एरिया वेरी क्लियर माय डियर स्टूडेंट दैट इज़ वेरी मच क्लियर अगर आपने दो पार्ल प्लेट लिया इनके बीच में जो इलेक्ट्रो फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन सबको याद है एंड सिग्मा होता है सरफे चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया बिल्कुल आसान सो so, हमारे पास सी माइडियर में यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर ई e आपके पास आएगा सिग्मा के पहले आप क्यू बाय ए डाल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी क्यू बाय ए क्यू ए एंड डिवाइड बाय एप्सुलन ठीक है एंड इट इज गोइंग टू बी क्यू बाय एब्सुलॉन ए क्यू बाय एब्सुलॉन ए क्यू बाई एप्सुलन ए बिल्कुल ईजी मारियम क्यू बाई एब्सुलॉन ए क्यू बाई एप्सुलॉन ए ठीक है चलो ओके

E आपके पास ऊपर आपने निकाला दैट इज क्यू बाई पास क्या बनेगा देर फोर वी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बोलो दैट इज गोइंग टू बी ई के बाले डालेगा बारे में इन टू डी दिस इज गोइंग टू बी वी बट हमें कैपेसिटेंस निकालना है एस कैपेसिटेंस होता है बराबर एज कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सर हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस बराबर होता है सर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ये जस्ट ए वर्किंग रूल है टू फाइंड द कैपेसिटेंस अदरवाइज कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता ये डिपेंड करता है टू पैरामीटर्स पे वन इज माय डी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम सेकंड इज योर जियोमेट्रिक कंफ्रिगेशन ऑफ दैट वेरी मच बॉडी याद रखेगा सी इज इक्वल टू दैट वेरी मच कैपेसिटर की सर जियोमेट्रिक क्या कंफ्रिगेशन क्या है उसके डायमेंशन बाकी चीजें चीजेंग टी इज इक्वल टू क्यू V वी के बारे क्या लिखेंगे इट इज क्यू डी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एबसलॉन ए डी क्यू क्यू कैंसल And the capacitance between the two parallel pallets is epsilon A by D. Epsilon A by D. So, here is clear ho hai, capacitance depends upon A and D, A and D are the geometric configurations of your capacitor. Area or uh, distance. ओके एंड एप्सलॉन दैट इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम बी वेरी क्लियर आप ले लीजिए कैपेस्टर वो आपके पास क्या आएगा फोर पाई एप्सलॉन आर अगेन फोर कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट एप्सलॉन इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम आर दैट इज योर डायमेंशन ऑफ ए कैपेस्टर इट डिपेंड अपन द क्यू एंड क्यू एंड वी क्यू एंड वी इज अ जस्ट वर्किंग रूल टू फाइंड इस चीज को क्लियर करेगा ये आपके पास हो गया कैपेस्टन ड्यू टू परल प्लेट चलो ओके गुड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वेट अ सेकेंड न माय डियर स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन आपके पास जो है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर टू माय डियर ओके दैट इज सर क्या क्वेश्चन नंबर टू क्या है कैपेसिटेंस, ड्यू टू पैरेलल प्लेट वेन पहले डायलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे वेन डाय इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेसड चलो पहले ये क्वेश्चन करेंगे हम कैपेस्टन ड्यू टू पार्लर प्लेट व्हेन द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेट सी मारिय जब आपके पास इनिशियली सी मारियस्टम बी वेरी क्लियर अबाउट दैट इनिशियली आपके पास सीए मैं पहले समझा देता हूँ आपके पास अगर इनिशियली आपके पास एक कैपेसिटर है या आपके पास एक एक कैपेसिटर है इसका भी एरिया ए है इसका भी एरिया है ए इसका चार्ज है प्लस क्यू इसका चार्ज है माइनस क्यू ठीक है मेरा डियर सी एंड इनके बीच में है वैक्यूम ओके और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज डी डियर so, जब भी आपके पास दो परल प्लेट होते हैं उनके बीच में कैपेसिटर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी ठीक है अब सी मारियो अगर मैं इसमें क्या करूंगा इसी कैपेसिटर में मैं एक डायक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दूंगा ध्यान रखेगा डियर मेरा इसके डिस्टेंस क्या था डी अब मैंने एक डायरेक्ट स्लैब डाला इस डाय स्लैब का थिकनेस है टी या है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के? अब ध्यान अब मुझे बता दीजिए अगर पहले इनिशियली आपके पास जब कुछ आपने इसमें इंसर्ट नहीं किया था जब आपके पास दो पल प्लेट के बीच में वैक्यूम था इनिशियली आपके पास कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन ए बाय डी नाउ जूं आपने इसमें एक डायरेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया जिसका एक डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है एंड जिसका थिकनेस या विड टी है आपके पास सर कैपेस्टेंस नया जो आएगा सी न्यू क्या वो चेंज होगा यस माई डे दैट इज गोइंग टू चेंज कैसे चेंज होगा सी हियर माय डियर वो कितना होगा अगर इनिशियली एप्सिलॉन ए बाय डी है ध्यान में디오 न्यू कैपेसिटेंस आपके पास जो आएगा अगर इनिशियली इसको मैं सी नॉट बोलूंगा नया जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी सी माय डियर दैट इज गोइंग टू बी देखो एप्सिलॉन ए चेंज नहीं हुआ चेंज कौन हो रहा है डी देखो आप जब आपने इसके पास क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो डी जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एक्चुअली मेरा डियर इधर इधर ये एक्चुअली मेरा डियर वो डिस्टेंस है जहां तक दो पर्ल प्लेट के बीच में वैक्यूम है क्या मैं बोल सकता हूं डी एक्चुअली मेरा डियर कैन आई टेक माय डियर डी इधर डी इधर डी वो है डी वो है जो स्पेस बिटवीन द पर्ल प्लेट भी बोल सकते हो या वो है कैन आई

ठीक है या आप बोलो डिस्टेंस बिटवीन पर्ल पर्यट डी था मैं इसको वैक्यूम भी बोल सकता हूं आप इसमें आधा जगह आपने किसने लिया बच्चा थिकनेस ऑफ स्लैब ने लिया सो रिमेनिंग स्पेस कितना बचा वैक्यूम का ये वैक्यूम का रिमेनिंग स्पेस है ये वैक्यूम का रिमेनिंग स्पेस है दैट इज गोइंग टू बी डी माइनस टी शबाश कलियर प्लस माय डियर और उसके बाद और कौन सा है जो किसने लिया मेरा डियर और जो लिया किसने आपके पास डायलैक्ट्रिक स्लैब ने दैट इज इट इज विथ टी डिवाइडेड बाय डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के दिस इज गोइंग टू बी न्यू कैपेस्टनस दिस इज द कैपेस्टन्स वैन द डायक्ट्रिक स्लैब इज प्लेसड सबसे आसान देखो कितना आसान तरीके से मैंने बोला ठीक है सो so, ये चीज आप बता है, है? बिल्कुल आसान तरीके से देखो मैं क्या करूंगा इक्वेशन को मैं कैसे डिराइव कर दूंगा ध्यान रखेगा चलो क्या आ जाओ हम क्या लिखेंगे कंसिडा ध्यान पहले डायग्राम बनाएंगे चलो पहले डायग्राम बनाएंगे ध्यान रखेगा पहले डायग्राम बना लेंगे पहले डायग्राम बना लेंगे यस सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक द डायग्राम चलो मेरे डियर बिल्कुल आसान पहले डायग्राम बना लेते हैं चलो क्या जाओ दो पर्ल प्लेट्स लेने उनके बीच में डायरेक्टर स्लैब डालनी है चलो बिल्कुल आसान सी वाली बात ये आपके पास कैपेसिटर है परल प्लेट कैपेसिटर के ए का एरिया प्लस ए इसका भी एरिया ए सॉरी इसका भी एरिया ए चार्ज इसका प्लस क्यू ठीक है इसका चार्ज माइनस क्यू इसका चार्ज माइनस क्यू अब इसकी वजह से यहां पर मेरा दिया बात सुनिए मेरे इसमें मैं क्या डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं पहले आई एम गोइंग टू इंसर्ट द डायक्ट्रिक स्लैब वेट ए सेकेंड डायलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर देते हैं ऑफ थिकनेस टी या आपके पास डायलैक्ट्रिक स्लैब जो उसमें इंसर्ट किया जिसका थिकनेस Then, मेरे और इनके बीच में दो पल पलेट के बीच में डिस्टेंस था डिस्टेंस था इनके बीच में डी और इसका थिकनेस है टी और इसका डायलेक्टर कॉन्स्टेंट है के सच दैट टी इज लेसर देन डी ओके डियर मेरा ये आपके पास बीच में डाल दिया आपने एक डायलेक्टर स्लैप ये आपके पास है डाय इलेक्ट्रिक स्लैब जो मैंने इंसर्ट किया ठीक है इसको मैं थोड़ा सा कलर करना चाहूंगा वेट अ सेकेंड हमने ड्राइट्रेट स्लैब डाल दे इसमें शबाश डियर मेरा चलो ओके okay, पहले क्या करेंगे हम पहले ध्यान रखेंगे शबाश बिल्कुल ईजी सा ईजी सा लिखते हैं चलो क्या जाओ हम बोलेंगे कंसिड टू पार्लल प्लेट्स कंसिड टू पर्ल plates having area A and let and let C B let C not be their capacitance. c not be their capacitance and vacuum is placed in between them and d be the distance of separation डी दी बी द डिस्टेंस ऑफ सपरेशन बिटवीन parallel पलेट शबाश उसके बाद बिल्कुल आसान ध्यान में उसके बाद यहां तक तो क्लियर मेरा डियर बिल्कुल आसान वाली बात हो गई चलो क्या आ जा जा शबाश मेरा जिगर उसके बाद यहां तक तो सा आसान वाली बात हो गई और एंड plus q and minus q and plus q be the charge on plus q be charge on one plate and minus q be charge on minus q be minus q be charge on another plate क्लियर शबा बिल्कुल आसान शबा याद, याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा बिल्कुल आसान वाली बात बिल्कुल आसान वाली बात सो वी नो दैट वी नो दैट सर अब इनिशियली तो ये इनिशियली इधर ये तब है जब आपके पास इसका एरिया ए है एंड लेट ए बी द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड ये भी लिख लेना एंड वो लिखा मैंने वो लिखा मैंने अगर यहाँ पर मैंशन किया है तो लिखने की जरूरत नहीं है एरिया लिखा आपने चलो ओके 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 सिया अगर इसका एरिया दोनों का ए है ठीक है इसका चार्ज प्लस क्यू है इसका चार्ज माइनस क्यू है इनके बीच में वैक्यूम है ओबेस मारिया इनके बीच में इलेक्ट्रोफील्ड सेट होगा इलेक्ट्रोफील्ड सेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टूअर्ड्स नेगेटिव एंड वो एप e ई होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सलॉन ये तो सबको पता है सिग्मा बाय एप्सुल सिग्मा बाय एब्सुल सिग्मा बटा एप्सुलॉन ये तो सबको पता है सिया अब ध्यान मेरी ओर वी नो दैट मेरा डियर इसमें सर कैपेस्टन जो होता है याद रखेगा याद रखेगा कैपेसिटेंस बिटवीन द टू तो पर्ल प्लेट होगा एब्सलॉन ए बाई डी बट जब आप इनमें डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे या कंडक्टिंग स्लैब करोगे बट यहां पर क्वेश्चन तो डायरेक्ट्रिक स्लैब का है आपका बच्चा कैपेसिटेंस चेंज होगा अब वही मुझे निकालना है सी यार ध्यान 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 मेरी और मेरा जगह बिल्कुल ईजी बिल्कुल ईजी सी सी एवरी वन हाउ कैन आई डू दिस सी ध्यान मेरी ओर आप देखो सर एज मैं ऐसे लिखूंगा एज एज कैपेस्टनस बिटवीन टू पर्ल प्लेट्स इज गिवन बाय उसको आपने इनिशियल नाम रखा सी नॉट दैट इज माय डियर एबसनॉन ए डिवाइडेड बाई डी दिस इज माई डियर इनिशियल कैपेसिटनस दिस इज योअर इनिशियल कैपेसिटन बट जब आपने डायलैक्ट्रिक स्लैब के पे ये इंसर्ट किया बट बट वेन द डायक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड ऑफ थिकनेस टी बिटवीन द टू पार्लल प्लेट्स सच दैट उसकी थिकनेस होनी चाहिए लेसर देन सच दैट थिकनेस इज लेसर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्लल प्लेट्स एंड कनेक्ट दरल पलेट्स विथ बैटरी इसकी वजह से क्या होगा मेरा डी हमको बैटरी से कनेक्ट करेंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज सेटअप ठीक है डियर मेरा शाबाश बिल्कुल ईजी वाली बात शाबाश अब ध्यान मेरी ओर अब सर अगर बैटरी से पोटेंशियल वी मिल रहा है बात सुन ले राशे से अब ध्यान मेरी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट हुआ यहां पर मेरा डियर दो चीज़ें हैं बात सुने मेरी ओर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर या आपके पास डायरेक्टर स्लैब है जब पहले आपके पास कुछ नहीं था जब वैक्यूम था खाली अब जब आपने डायलैक्टर स्लैब डाल दिया यहां पर टोटल डिस्टेंस डी था अब यहां पर डायलैक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस क्या है टी अब देख मेरा डियर यहां पर दो चीजें एक तो ये रिमेनिंग स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा और दूसरा सेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्रॉस द क्या माई डियर क्या क्या एक द डायक्ट्रिक स्लैब एंड जिसकी वजह से मेरा डियर ये शो करेगा पोलराइजेशन मीनज डैट इसमें इंड्यूस हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्योंकि हमें पता है ना जब भी कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाली जाती है एंड मेरा डियर अगर ये खुद में इंड्यूस करती है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं दैट मीनस अगर इस डायलैक्ट्रिक स्लैब को मैं देखना चाहूंगा जब इसको मैं डाल डाल रहा हूँ कहाँ पर मेरा डियर शबाज कहाँ पर डाल रहा हूँ सर आप जब इसको दो पार प्लेट के बीच में डाल रहे हो जब आप दो पार प्लेट को बाहर से आप बैटरी से कनेक्ट करो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोलराइजेशन दिखाएगा तो इसमें इंड्यूस हो जाएंगे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट ऑन बोथ साइड माइनस 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 और इस साइड से आपके पास क्या होगा इस साइड से आपके पास होगा प्लस प्लस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इसमें इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन सो बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान वाली बात ठीक है मेरा डिया चलो ओके शबाश सो मीनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो सेट होगा अलॉन्ग दिकनेस शबाश मेरा डिया एंड और बाकी जो है दैट विल बी सेट अलोंग द रिमेनिंग स्पेस याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा अगर मैं बात सुन लेना अच्छे से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू ई अगर इलेक्ट्रो फील्ड रिड्यूस हुआ ई ड्यू टू पोलराइजेशन पोलराइजेशन की वजह से क्योंकि आधा खर्च हुआ पोलराइजेशन दिखाने के लिए एंड ये रिड्यूस हुआ टू ई e. ठीक है मेरा डियर एंड ई e नॉट क्या आपके पास था ई नॉट वॉज अप्लाइड माई डियर ध्यान रखेगा सो so मैं लिख सकता हूँ टोटल पोटेंशियल इतना रिड्यूस किया प्लस माइडियर याद रखेगा e रिमेनिंग स्पेस में दैट इज डी माइनस टी सो दो चीजें यहां पर दो जगह सेट होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फीलिंग स्पेस वन इज अक्रॉस द डायक्ट्रिक स्लैब याद रखेगा बिल्कुल आसान शबाश तो मैं लिखूंगा यहां पर बिल्कुल क्लियर 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 सो लिखूंगा मैं सो क्या लिखेंगे यहां पर चलो आके आ जाओ द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस टू ई वाई ड्यू टू पोलराइजेशन क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लैब जब इन दो पर्ल प्लेट्स में जाएगा जिसका चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पोलराइजेशन दिखाएगा ये इंड्यूस करेगा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ डायलेक्ट्रिक ठीक है उसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं डायलेक्ट्रिक फील विल बी रिड्यूसड टू तो ई ड्यू टू पोलराइजेशन ठीक है शबाश एंड रिमेनिंग स्पेस जरा बोल रिमेनिंग स्पेस क्या है बच्चा एंड रिमेनिंग स्पेस याद रखेगा एंड रिमेनिंग स्पेस ऑफ पर्ल प्लेट जरा बता दो रिमेनिंग स्पेस ऑफ पर्ल प्लेट क्या है अगर थिकनेस इधर डिस्टेंस बिटवीन टू पर्ल प्लेट था डी एंड आपने डायरेक्ट स्लैब डाला वो कितना है टी तो रिमेनिंग कितना रहेगा शबा डी माइनस टी एंड रिमेनिंग स्पेस बिटवीन द पर्ल प्लेट इज डी माइनस टी शबाश याद रखेगा क्यों आपके पास ये पल पलेट है इनके डिस्टेंस डी था आपने एक डायलैक्ट्रिक स्लैब डाला इसका थिकनेस था टी तो ये रिमेनिंग बच गया तो डी में से माइनस करेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब वो बन जाएगा रिमेनिंग स्पेस शबाश मेरा डिया सो मैं लिखूंगा बैटरी से टोटल पोटेंशियल कितना आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सेट हुआ था लेट वी इज पोटेंशियल फ्राम बैटरी डियर फोर क्या मैं लिख सकता हूं इस वी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फिले सेट हुआ एक तो बच्चा एक इन टू टी दैट इज एक्रॉस द थिकनेस ऑफ स्लैब एक्रॉस द थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लस माई डियर ई नॉट शबर दैट इज अलॉन्ग माई डियर वट रिमेनिंग स्पेस डी माइनस टी शाबाश याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा बिल्कुल आसान ई नॉट इज द एलेक्ट्रिक जो सेट हुआ याद रखेगा एंड बाकी जो आधा इस्तेमाल हुआ रिड्यूस किया इसने अप टू ई किसकी वजह से पोलराइजेशन से वो आपके बच्चा सेट होगा सेट होगा अलोंग द कहाँ कहाँ अलोंग द थिकनेस ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब क्लियर ई नॉट वॉज योर अप्लाइड शब बाश सीमा नाउ सर एज हमें पता है याद रखिएगा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट इज ई e नॉट ई e नॉट डिवाइडेड बाय ई e. डायक्ट e e. तो कॉन्टोट होता है ई नॉट डिड बाई ई याद कर लो ई नॉट e क्या है अप्लाइड e ठीक है मेरा ई नॉट e आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट हुआ एंड ई e क्या है रिड्यूसड ये तो पता है रेशियो आप अप्लाइड टू द रिड्यूसड करते हैं ना दैट इज गोइंग टू बी क्या डायरेक्ट कॉन्स्टेंट सब ने पढ़ा होता है सबने पढ़ा होता है डायरेक्ट कॉन्स्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड

नॉट बाई के इसको ये भी बोल सकते हैं आप इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये याद रखेगा मेरा डियर okay. वी इज इकॉल्ड ई नॉट वी इज इकॉल्ड ई नॉट शबा ई के पहले क्या लिखेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाई के शब चुड़ किया इन टू है टी प्लस है ई नॉट डी माइनस टी शाबाश मेरा जगह बिल्कुल आसान जरा मेरा डे ई नॉट इसमें कॉमन निकालो v इज इक्वल टू ई नॉट निकालेंगे कॉमन अंदर बचेगा बच्चा t डिवाइडेड बाई k प्लस d माइनस टी ये आपके पास v का वैल्यू आ गया शाबाश बट ध्यान रखिएगा बट सर वी नो दैट ई नॉट सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स वी नो दैट ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स दैट इज सिग्मा बटा एप्सिलॉन ये तो सबको पता है सर ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स टू पैरेलल प्लेट्स के बीच में सर ई नॉट होता है सिग्मा शबा बाय एप्सिलॉन ठीक है मेरा डी जरा वैल्यू कर लो पुट डियर फोर वी विल बी इक्वल टू ई नॉट के बले आएगा सिग्मा बाई एपसॉन्ग और है बच्चा टी बाई के प्लस है डी माइनस टी शबाश चलो ओके सो so, यह आपके पास वी आ गया शबाश डियर मेरा अब हमें कैपस्टनस निकालना है कैपेस्टनस किसके बराबर होता है कैपेस्टन्स किसके बराबर होता है कैपेस्टनस किसके बराबर होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी एज एज Capacitance is given by C is equal to Q by V. ये तो सबको पता है इट इज जस्ट अ वर्किंग रूल अदरवाइज कैपेस्टर क्यूर वी पे डिपेंड नहीं करता इट डिपेंड्स अपॉन द सर जियोमेट्री ऑफ द कैपेसिटर उसके डायमेंशन एरिया सब कुछ आता है उसमें ठीक है मेरा डियर शबाज उसके डिस्टेंस बिटवीन पार्लर पैलेट एरिया एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम जो उसके बीच में होगा ठीक है क्यू बाई वी के बराबर सो क्यू ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई वी वी के बाद है सिगमा डिवाइडेड बाई एप्सुल शबाश t q plus d minus d बट सबको पता है सिग्मा किसके बराबर होता है एज सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट चार्ज पर यूनिट एरिया देयरफॉर c विल बी इक्वल टू q के वाले डालेंगे लेंगे q इधर 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 सिग्मा के वाले डालेंगे इट इज q डिवाइडेड बाय शबाश सिग्मा के वाले क्या डालेंगे q by a शबाश क्यू बाई और क्या बनेगा एप्सुलॉन ए शाबाश मेरा डियर यार इंट बच्चा टी बाई के प्लस डी माइनस टी क्यू क्यू होगा कैंसल ठीक है मेरा डी ऊपर जाएगा क्यू क्यू क्या होगा कैंसल सो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एप्सुलॉन ए डिवाइडेड बाई टी बाई के प्लस

बिल्कुल ईजी बिल्कुल ईजी बिल्कुल ईजी ठीक है शबाश दैट्स वेरी ईजी इक्वेशन मेरा डिया चलो शबाश मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं इधर डी माइनस टी चलो कि ग्रेट मेरा डियर, बिल्कुल आसान वाली बात बिल्कुल आसान वाली बात चलो चलो शबाश गुड गुड एवरीवन। सी माय डियर यही तो इक्वेशन आपके पास आई थी एप सलॉन डिवाइडेड बाय टी बाय के प्लस डी माइनस टी ओके क्लियर पहले मैंने आपको ये चीज बोली थी नाउ सी माय डियर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं सी 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 नाउ हियर बट कैन यू डू लाइक दिस सी देखो ये आपके पास पहले दो पैरेलल प्लेट्स थे एक का चार्ज आपके पास प्लस क्यू था दूसरे का चार्ज माइनस क्यू था इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी था और इनके बीच में था वैक्यूम वेरी क्लियर एंड दो पर्ल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज एप्सोनेबल डी वेरी क्लियर बट जो ही आपने इनके बीच में इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया जिसका थिकनेस है या विड्थ है टी एंड डिस्टेंस इनके बीच में है डी दो पर्ल प्लेट के बीच में नाउ सी माइडिया क्या मैं ऐसा बोलूंगा ये जो डी है दिस इज द विड्थ ऑफ वैक्यूम दिस इज द विड्थ ऑफ वैक्यूम क्योंकि आप ये बोलते हो ना डिस्टेंस बिटवीन टू पार प्लेट क्या मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम यस माय डियर बट जो ही आपने इसमें डायलैक्ट्रिक uh, स्लैब इंसर्ट किया जिसका थिकनेस टी है दैट मीन इज कैपेस्टन्स चेंज होगा कैसे चेंज होगा सी ऑफ हमारे पास कैपेसिटेंस ऐसे चेंज होगा सी नाउ ये पहला इनिशियल है नया कैपेसिटेंस होगा एप्सलॉन ए तो बराबर वही है कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि एप्सलॉन ए तो हमने चेंज नहीं किया ठीक है मेरा ए दोनों का सेम एप्सलॉन भी वही अब सी में डियर ध्यान मे डिवाइडेड बाय अब नीचे देखिए आप मेरा डियर रिमेनिंग जरा बता दीजिए विद्युत कितना रह गया वैक्यूम का टोटल डिस्टेंस कितना है वैक्यूम का टोटल विद्युत कितना मान लिया डी कितना टी तो रिमेनिंग डी माइनस टी प्लस और बाकी जो आपके पास है that is my dear. Thickness, टी, किसकी मेरा डायरेक्ट स्लैब की दैट इज टी बाई के यही तो इक्वेशन आ गई डायरेक्ट मेरा डियर आप कर सकते इससे शबा यही चीज मैंने आपको डिटेल में समझाई जिस तरह आप डेरिवेशन डियर, एग्जाम में करोगे ध्यान में चलो अगर आपके पास कभी कभार ध्यान रखेगा अगर आप कभी कभार ये है इसमें मैंने बहुत सारे डायरेक्टर सिलेबस डाले देखो एक डाल दिया दूसरा डाल दिया तीसरा डाल दिया इसका थिकनेस है टी वन इसका टी टू इसका टी थ्री आपस में डिस्टेंस था डी इसका डायरेक्टर कनेक्शन के वन के टू के थ्री इसका क्या बनेगा न्यू कैप्सटन एप्सलॉन ए डी बाई एब्सलॉन ए सेम नीचे रहेगा रिमेनिंग स्पेस रिमेनिंग स्पेस, स्पेस टोटल था वैक्यूम का पहले विड था वैक्यूम जिसमें पूरा वैक्यूम था वो डी था अब डी में माइनस होगा किस किस का थिकनेस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस एक तो टी वन की थिकनेस हो रहा है उसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट के वन टी टू थिकनेस से कॉन्स्टेंट के थ्री के टू एंड टी थ्री थिकनेस एंड डायलैक्ट कॉन्स्टेंट के थ्री ये अगर तीन डालेंगे सिमिलरली दो का कर सकते हो यू कैन डू इवन अगर आपके पास आ, एक डायल्ट स्लैब है ध्यान मेरे ये आ, टू पर्र प्लेट है आपने डायरेक्ट स्लेब डाल दिया जो इसका पूरा कवर करता है क्या मतलब दैट इज़ डिस्टेंस इज़ इक्वल टू थिकनेस जितना डिस्टेंस है उतना थिकनेस तब क्या आएगा ए ऐसे ही अब वीडता वैक्यूम उतना है जितना थिकनेस है ठीक है मेरा डियर वीडता तो आप याद रखिएगा जितना डी है उतना ये भी है ठीक है मेरा डियर तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई के इसका डायरेक्ट कॉन्स्ट के है ठीक है सो विड़ता तो वै वैक्यूम उतना ही है जितना थिकनेस है सो डी बाई के पूरे डी में जो वीडता तो वैक्यूम है उस, उसमें डायरेक्ट स्लैब है जिसका डायरेक्ट कॉन्स्टन के है के ऊपर जाएगा तब आएगा के एप्सलॉन ए बाई डी एंड एपस्थान ए बाई डी था जब आपके पास डायलेक्टर स्लैब नहीं डाला था वो कैपेस्टन जो इनिशियल था विदाउट डायलेक्टर स्लैब दो पल पायलट के बीच नाम बोलेंगे सी नॉट एंड इज आपके पास बनेगा कैपेसिटेंस के, के तो इंक्रीज़, 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 इंक्रीज़। मेरा आदिया? वही करते हैं सी के खेलते हैं केस करा देते हैं थोड़ा सा ये आपके पास इनिशियली था ठीक है अब मैंने एक डायलेक्टर इस पे डाला डायलेक्टर स्लैब डाल दी जो इसका सारा कवर करता है ये पैरल पलेट्स इसका चार्ज एक का इसका चार्ज माइनस क्यू माइनस 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 इसका चार्ज प्लस क्यू <laughs> प्लस 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 ठीक है इनके बीच में वैक्यूम मैंने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला ये आपके पास डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका थिकनेस कर दिया इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ठीक है तब क्या होगा देखो अब क्या होगा शाबाश सो so, पहले जब इनिशियली था जब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो दो पल पलेट था तब इनिशियली आपके पास सी नॉट कैपन कितना होता है एप्सलॉन ए बाई डी शबाश बट जब आपने वैन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस बट वैन डायक्ट्रिक स्लैब इज प्लेसड जब आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया बट वैन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस ऑफ थिकनेस ऑफ थिकनेस T is equal to D जितना थिकनेस है उतना व्यूड था वैक्यूम है उतना डिस्टेंस बिटवीन टू परल प्लेट्स है ठीक है तब क्या बनेगा C will be equal to epsilon A divide by direct आप वहां से भी कर सकते हो जो मैंने इक्वेशन निकाली ना अभी आपके पास क्या epsilon A by epsilon A by D minus T plus T by Q के इसमें भी आप टी को पुट कर सकते हैं डी के बराबर तो आपके पास बचा आएगा के टाइम्स ऑफ सी नॉट दैट इज़ के टाइम्स ऑफ एप्सलॉन ए बाई डी क्योंकि सी नॉट इज़ एप्सलॉन ए बाई डी बिल्कुल आसान या देखो अब इस तरह एप्सलॉन ए आसान तरीका दिखाता हूँ एप्सलॉन ए ठीक है मेरा डी इसको मैं सीधे लिखूंगा सर अब जितना थिकनेस है उतना डिस्टेंस भी है तो मीनज जो पहले डिस्टेंस था या जो विड था वैक्यूम था वो वही है जितना थिकनेस है अब तो मैं इसको लिखूँगा सीधे डी और उसका डायलेक्ट कॉन्स्टेंट कितना है इस स्लैब का के सो so, लिखूंगा सीधे डी बाई के ये ऊपर जाएगा के ए के ए is, के टाइम्स 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 ऑफ ए ए डी, डी, डी दैट सो बाई प्लेसिंग डायलैक्ट्रिक स्लैब ये हर साल आता है सो बाई प्लेसिंग डायलैक्ट्रिक स्लैब कैपेस्टनस टाइम्स ऑफ सी नॉट याद रखेगा मेरा डियर के टाइम्स ऑफ सी नॉट तो इसमें आप बहुत सारी चीजें दो डाल दो तीन डालो मैंने दिखाया आप इवन यहां पर भी इसको कर सकते हैं ठीक है मेरा डियर आप यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन निकाली ना कैपेसिटेंस ड्यू टू प्लेट वन प्लेस डायलैक्ट्रिक स्लैब पर आप टी के बल्ले डी टी के डालो डी बाई uh, 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 के डालना है D, ये K, K जाएगा ऊपर था वो कैपेस्टनल जब डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था दैट इज पलेट सो दैट उसको बोलेंगे इनिशियल दैट इज सी नॉट तो के आगे टाइम्स ऑफ सी नॉट तो बढ़ रहा है टाइम्स कितने टाइम्स से बढ़ रहा है, रहा है? K, K Now, next, के टाइम्स के टाइम के के इज द डायलेक्टर कॉन्स्टेंट क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पास कैपेस्टनस ड्यू टू प्लेट पैपेस्टनस ड्यू टू परल पलेट वेन डायलैक्ट्रिक स्लैब इज प्लेसड अब डायलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे चलो आप डायलैक्ट्रिक स्लैब डालेंगे शाबाश मेरा डियर सर जब आप डायलैक्ट्रिक स्लैब डालेंगे अब कैपेसिटेंस तब जब हम डायलैक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे बिल्कुल आसान चलो शाबाश अब डायलैक्ट्रिक स्लैब वाला करते हैं सर जब डायलैक्ट्रिक स्लैब करेंगे कैपेसिटेंस को क्या होगा आप कौन सा सॉरी सॉरी कंडक्टिंग स्लैब डायलैक्ट्रिक तो किया अब कंडक्टिंग करना है वैन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेसड चलो क्या जाए <laughs> चलो आ जाए, चलो कि शब बाश अब डालना है कंडक्टिंग स्लैब ठीक है बिल्कुल आसान चलो कर लेते हैं इसको सोलव सी बाय डियर अब आपको क्या डालना है कंडक्टिंग स्लैब फिर से या आपके पास दो पारल प्लेट्स है ध्यान रखिएगा मेरा डियर या आपके पास एक पारल प्लेट है जिसका चार्ज जिसका एरिया ए है फिर से मेरा डियर और यहाँ से दूसरा पर्ल प्लेट जिसका भी एरिया ए है ठीक है और इसका चार्ज प्लस क्यू इसका चार्ज माइनस क्यू ठीक है शबाश प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू इसका चार्ज प्लस क्यू इस पलेट का इस चार्ज इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू अब इसमें आपने स्लेब प्लेस किया दैट स्लैब इज माई डर कौन सा स्लैब प्लेस किया दैट इज गोइंग टू बी यूर कंडक्टिंग स्लैब ये मैंने इसमें इंसर्ट किया कंडक्टिंग स्लैब ठीक है आई इंसर्टेड कंडक्टिंग स्लैब एंड द डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच में जो है डिस्टेंस कितना है शायद डिस्टेंस बिटवीन द परल पलेट्स इज डी एंड द थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज टी सच दैट टी शुड बी लेसर देन डी ठीक है शबाज बिल्कुल आसान चलो क्या जाए सीम आइडिया ध्यान रखिएगा बच्चे अच्छे से इसमें क्या करना है सो so, बराबर जैसे आपने उसमें किया वही करना है बट यहाँ पर एक बड़ी बात है सर ये चीज जिसने डिफरेंस याद रखी उसने सारा कुछ सॉल्व किया यहाँ पर देखो कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो तो ये तो पता ही है इलेक्ट्रोफिल कंडक्टिंग स्लैब का जीरो होगा सो so, दैट में जितना भी इलेक्ट्रोफिल सेट होगा जब इसको आप बैटरी से वी पोटेंशियल देंगे जितना भी इलेक्ट्रोफिल सेट होगा दैट वुल बी सेट अक्रॉस इधर याद रखेगा कंडक्टिंग स्लैब कोई पोलराइजेशन नहीं इसका इलेक्ट्रोफिल क्या होगा जीरो जो भी आपके पास क्योंकि वी नो दैट इन ऑफ कंडक्टिविटी वट इज इलेक्ट्रोफिल जीरो सो या अगर इलेक्ट्रोफिल जीरो इसके अंदर सो so, सारे जितना इलेक्ट्रोफील्ड सेट होगा वो किस में सेट होगा रिमेनिंग स्पेस में इससे पहले जब आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो इलेक्ट्रोफी जो सेट हुआ था वो दो चीजों में हुआ था एक तो द थिकनेस ऑफ स्लैब और द रिमेनिंग स्पेस यहां पर इलेक्ट्रोफील्ड जो सेट होगा दैट इज गोइंग टू सेट द क्या ऑनली रिमेनिंग स्पेस बिकॉज इलेक्ट्रोफील कंडक्टिंग स्लैब का क्या है क्या होता है क्या है मेरा डियर जीरो सो बराबर वही करेंगे जो उसमें लिखा बराबर वही है कंसिडर टू जिसको वो आया उसको बराबर वही करना है कंसिडर टू पारल प्लेट्स बराबर वही है मुझे लगता है आप वहां पर जहां पर डायरेक्टर लिखा वहां कंडक्टिंग लिखो और वी 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 जो है ना रिमेनिंग स्पेस में कितना है तो खाली उसमें सेट होगा चलो वो लिखा देते हैं अब कंसिडर टू पार्ल प्लेट्स हैविंग एरिया एंड चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ठीक है लेट इंसुलेटिंग लेट ऐसे लिखते हैं एंड लेट डी बी द डी बी द डिस्टेंस ऑफ Separation between the two parallel, let D be the distance of separation between two parallel plates and conducting slab of thickness. t such that t should be lesser than distance between the plates t should be lesser than d is placed in between them शबाश मेरा जगह बिल्कुल आसान अब देखिए मेरा डियर बिल्कुल आसान वाली बात चलो चलो ओके बिटवीन शबाश आप ध्यान मेरी ओर अब जब बैटरी से पोटेंशियल कितना मिला वी शबाश चलो ओके इलेक्ट्रोफिल फील्ड कहाँ सेट होगा ध्यान रखेगा बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान यहाँ तक तो आपने लिखा ये चलो ओके okay. यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है ना <coughs> बराबर जो उसमें किया वही इसमें कर रहे हैं बट याद रखना इलेक्ट्रोफिल खाली सेट होगा रिमेनिंग स्पेस में क्योंकि इलेक्ट्रोफिल डायलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस कितना होगा शबा ज़ीरो बट वहाँ पर जब आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला था वहाँ पर इलेक्ट्रोफिल अक्रॉस द पर्ल प्लेट्स का कितना आया था मेरा डियर शब कितना आया था वो तो पता ही है सिगमा बाई एबसलॉन बट आपका दो इलेक्ट्रोफिल एक्रॉस डायलैक्ट्रो स्लैब एज वेल एज रिमेनिंग स्पेस वो तो पता ही है ठीक है चलो आ जाओ इसको लिखा मैंने ई का वैल्यू इन साइड जीरो ई का वैल्यू जीरो इलेक्ट्रोफिल ठीक है मेरा कंडक्टिंग गंड़। मटेरियल चलो ओके okay. उसके बाद वेन द कैपेसिटर इज व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी ठीक है मेरे जब आपने कैपेसिटर को कनेक्ट किया किसके साथ बैटरी एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड इन साइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो तो ब्राइक में लिखेंगे ई जीरो सो इलेक्ट्रो फील्ड कहां सेट होगा सो इलेक्ट्रो फील्ड विल बी सेटअप सो इलेक्ट्रो फील्ड विल भी ऑनली सेटअप इलेक्ट्रो फील्ड विल बी सेटअप एक रिमेनिंग स्पेस एकर रिमेनिंग स्पेस कौन है वो डी माइनस टी एकर द रिमेनिंग स्पेस डी माइनस टी अक्रॉस द रिमेनिंग स्पेस डी माइनस टी ठीक है मेरा आइडिया शबाश बिल्कुल कल्याण शबाश रिमेनिंग स्पेस सो इलेक्ट्रोफिलट अक्रॉस डी माइनस टी सो मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा लेट एंड लेट वी इज द पोटेंशियल वी इज पोटेंशियल फ्रॉम बैटरी वी इज पोटेंशियल फ्रॉम बैटरी जब बैटरी से पोटेंशियल वी मिला इलेक्ट्रोफील्ड सेट होगा सर इनसाइड तो इलेक्ट्रोफील्ड कंडक्शन स्लैब का जीरो तो इलेक्ट्रोफील्ड विल ऑनली सेट ऑफ रिमेनिंग स्पेस तो मैं लिख सकता हूँ डेयर फोर शबा इसमें क्या लिख सकते हैं मेरे डी डेयर फोर वी इज टू शबा सर ई नॉट ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रोफील्ड शायद जो आपको मिला शबा ई नॉट इज द अप्लाइड किस में होगा रिमेनिंग स्पेस में खाली दैट इज डी माइनस टी में बट पर डायलेक्टर कॉन्शन कुछ नहीं आएगा क्योंकि इट इज नॉट ए डायलेक्ट्रिक स्लैब इट अ कंडक्टिंग स्लैब एज सबको पता है एफ ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पार्ल प्लेट्स होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन व्हिच इंप्लाइज वी इज इक्वल ई के बल्ले डालेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन और साथ में डी माइनस टी बट बट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पलेट दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया सबको पता है एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमड़ा से डिनोट करते हैं फिर होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा से डिनोट करते हैं फिर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू बाई वी ठीक है यहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट दैट इज क्यू बाई ए विच इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज वी इज इक्वल्ड सिगमा के बदले क्या लिखेगा क्यू बाई ए डिवाइड बाई क्या है एप्सुलॉन क्यू बाई ए डिवाइड बाई एब्सुलॉन और साथ में क्या है डी माइनस टी दैट इज इक्वल टू यह आएगा बराबर ये ऊपर जाएगा शब यह बनेगा क्यू डिडेड बाई क्यू डिवाइड बाई एब्सुलॉन ए और साथ में है डी माइनस टी दिस इज द वी दिस इज ओनली द वी दिस ओनली द वी बट वई नो दैट कैपासटन कैपासटन कैपस्टन बट वई नो दैट बट वर्किंग रूल बट और वी पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटन डिपेंडिंग अपन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम एंड इट इज जियोमेट्री जियोमेट्री ऑफ कैपेसिटर याद रखेगा चलो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी सो सी आएगा बराबर सी इज इक्वल टू क्यू ऐसे ही वी हमने निकाला कितना वी आया हमारे पास वी हमारे पास आ गया है शबाश वी आ गया अब क्यू डिवाइड बाई एप्सलॉन ए डी माइनस टी क्यू बाई क्यू बाई एब्सलॉन ए डी माइनस टी ये क्यू क्यू कैंसल होगा कैपेसिटेंस आएगा ऊपर जाएगा एब्सलॉन ए डी माइनस टी सो ये भी आपके पास uh, कैपेसिटेंस है बट इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ ओ आर और, और एप्सोलॉन ए डी नीचे से कॉमन निकालूंगा इधर रहेगा वन माइनस और टी बाई डी टी बाई डी शबा डी वन ज़रा डी वापस दे दो डी माइ डी माइनस टी बाई डी से मल्टीप्लाई करो डी डी कैंसल हो वापस टी आएगा सो so, डी कॉमन निकाला सो दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू डायलैक्ट्रिक स्लैब याद रखेगा सो इवन माई डियर ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा।, रखेगा बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान एप्सलॉन ए बाई डी को एप्सलॉन ए बाई डी को एप्सलॉन ए बाई डी को हम बोलते थे ना इंशल कैपेस्टनस एज जब आपने कोई भी स्लैब नहीं डाला था जब खाली दो पर्ल प्लेट्स थे जब जब उनके बीच में कुछ ए, खाली क्या था वैक्यूम तब मुझे पता है दो पर्ल प्लेट्स का कैपेस्टनस होता है एप्सिलॉन ए बाई डी अब जब आपने सर वही लिखूंगा मैं एज़ एप्सलॉन ए बाई डी वॉज इनशियल इनिशियल देयर फोर कैपेस्टन्स आएगा सी नॉट ठीक है डिवाइड बाई वन माइनस टी बाई डी सो फ्रॉम द इक्वेशन आपको लग रहा होगा कैपेस्टन्स मेरा डेयर क्या कर रहा है देयर फोर देयर फोर ऑन प्लेसिंग चाहे डायलेक्ट्रिक डालो या कंडक्टिंग डालो देयर फोर ऑन प्लेसिंग कंडक्टिंग स्लैब द कैपेस्टन्स ऑफ पार्लर पलेट्स द कैपेसिट ऑफ पार्लल पलेट्स इंक्रीजेस याद रखेगा इनक्रीज इज इनक्रीज इज इनक्रीजेज याद रखेगा दैपैसिट बिटवी तो पार चाहे डायलेक्ट्रिक स्लैब डालो चाहे कंडक्टिंग स्लैब डालो याद रखेगा ये इक्वेशन भी इसको आप लिख सकते हो शाबाश मेरा जगह दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू डायलेक्ट्रिक स्लैब दिस इज कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब क्लियर मेरा डियर शाबाश शाबाश बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान ठीक है अब इसमें है एक तो आ, एनर्जी स्टोर न कैपेसिटर कैपेस्टर इन सीरीज और पोलराइजेशन वो मैं दूसरे वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ ठीक है मेरा डिया वो आपको अभी दूसरी वीडियो भी मिल जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा वो दूसरी वीडियो में हम रिकॉर्ड करते हैं ठीक है मेरा डिया सो so, अभी जस्ट बी अपडेटेड विद द सेकंड वीडियो ऑफ कपस्टर्स जिसमें मैं एनर्जी स्टोर करूंगा कैपेस्टर सीरीज एंड पार्लर और पोलराइजेशन डायरेक्ट पोलराइजेशन पोलर डायलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर वो क्या है तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है मेरा डी सो लेट लेटस बी स्टे टू एयर नेक्स्ट क्लास टू एयर नेक्स्ट लेक्चर टिल देन माई डियर टेक केयर खुदा हाफ